सलार मूवी की स्टोरी क्या सही में लिखी हुई है? ऐसा नहीं है गाइस। सलार मूवी की स्टोरी को अगर आप विकिपीडिया या गूगल पे चेक करोगे तो उसमें स्टोरी दिखाई गई है कि एक दोस्त होता है जो मरते वक्त अपने दोस्त को वादा करता है कि वो जिस जुर्म की दुनिया के साथ कनेक्ट था वो उस दुनिया पर राज करेगा। तो यही स्टोरी हमको सलार की दिखाई जाती है। पर ऐसे ही सबको लग रहा है कि ये मूवी कॉपी होगी रजनीकांत की मूवी थालापति से या उग्राम मूवी से। रजनीकांत की थालापति और उग्राम मूवी की स्टोरी लगभग सेम थी, क्योंकि थालापति और उग्राम मूवी की जो स्टोरी है वो फ्रेंडशिप के ऊपर है और सेम सलार की स्टोरी भी फ्रेंडशिप पे ही बेस्ड है। इसकी वजह से सबको लग रहा है कि वो मूवी उसकी कॉपी होने वाली है, पर हम उसको इंस्पायर कह सकते हैं। और सलार की स्टोरी जो होने वाली है वो लगभग ऐसी होगी कि एक सलार का एक दोस्त मर जाएगा जो मरते मरते उसको प्रॉमिस देगा कि तुम मेरा बाकी का काम पूरा करोगे, जिसको पूरा करने के लिए सलार बाहर निकलेगा और जुर्म की दुनिया का बादशाह बनेगा। ये मूवी कुछ इस तरह की होगी। इसी के साथ सबको लग रहा है कि ये मूवी जाके गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन से वो बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। केयर रेड्डी का जो इंटरव्यू था उन्होंने उसको सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करा था कि उसकी प्रेजेंटेशन हमने कुछ ऐसी रखी है, ना कि उन्होंने ये बोल दिया कि ये मूवी आगे जाके गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बाकी सबको ये इसलिए भी लग रहा था क्योंकि KGF 2 में संजय दत्त का जो लुक था वो वाइकिंग से बहुत ज्यादा ही इंस्पायर्ड था, तो सबको लग रहा था कि शायद ये मूवी जाके गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ जाए। सलार मूवी की स्टोरी फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द तो घूमेगी, पर वो किसी और सीरीज से कनेक्ट नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ KGF यूनिवर्स का पार्ट है। ऐसे ही क्विक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताएं सलार मूवी कितना कलेक्शन करेगी और वो हिट होगी या फ्लॉप।